दहेज के कारण बहू की हत्या का एक मामला मोगा के गांव दौलतपुरा से आया है। 29 साल की ज्योति बाला की परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उनकी 29 साल की बेटी ज्योति बाला को दहेज की मांग पूरी ना होने के कारण मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां ने बताया कि उसकी बेटी का 2 महीने का बेटा है और शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन शादी के बाद परिवार वाले दहेज को लेकर परेशान करते थे। हालांकि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज और एक कार भी दी थी, लेकिन बाद में ससुराल वाले बड़ी कार की मांग करने लगे। इस कारण अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और कल उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। हमें परेशान होया है बेटी का काकू होया है। मैं आई है थे 5 दिनों से छुट्टी मिली, इन्हें किसी जी ने बधाई नहीं दिती, कुछ नहीं बुलाया नहीं गुड़िया नू। मैं 20 दिन ला के गई, इन्होंने उत्ते कुछ नहीं चढ़ाया, घ्यो का चमचा नहीं गया उत्ते। कुड़ी मेरी इन्ना कल्पती ही, मैं नाले ही लै गई 20 दिन बाद। इन्होंने पता नहीं की किया, 10 दिन गुड़िया रह के इतने आई नए, इन्हें पता नहीं की कर दिता, गुड़िया नू गला कुट दिता, कुट मार की, मोबाइल तोड़ दिता। हाँ जी, दाज मंगी जाते ने। 17 साल च जो तो विह है ना, उदो तो इन्होंने सू उ बाद महीने दो बाद लड़की ने बहुत तंग परेशान, मैं गड्डी तो छोटी दिती, वड्डी क्यों नहीं दिती, बरीजा गड्डी चाहिए सी, जिनी साड़ी पहुँच उदो वध दिता जी, गड्डी असियालटो दिती सी। उदो बाद फिर अपनी गुड़िया ने वखरा किया, प्रौना लगा भी दिया, चल उदो बाद अपने गुड्डी के बच्चा होने वाला सी, इन्हें मम्मी ला गई भी 25 दिन इतने, उदो बाद बच्चा मोगे होया सी, उत्थे लै गए जी आपके पिंड, 2 महीने उत्थे रखिया, इन्होंने कोई जी नहीं गया मगर पता लैन काके का मूँह वेखन या कुछ भी। उस बाद अपना कला प्रौना गया जाके कुड़ी लै आए, 10-12 दिन हो जी, तो सू कल फोन गया जी, लड़की आई क्या बुआ नहीं खोल जाए, असं इतने आए आन के वेख्या कुड़ी कुट मार के बस। सू तलाह मिली है भी जी ज्योति बाला लड़की है गुरु साहब पेके से इतने वही सी दौलतपुर पिछले साल अप्रैल 3 महीने का बच्चा भी है छोटा जहा, तो बारे तलाह मिली है भी उन्हें सुसाइड कर ली है दाज की खातर, दाज के मतलब मंगते सी सहुरा परिवार, ये दोष लगे उन्होंने, तो असं सहुरे परिवार से पेके परिवार वालों शिकायत दर्ज करके सहुरे परिवार के खिलाफ जी एफ आई आर लॉन्च करके कार्रवाई कर रहे हैं, जो जो तत् सामने आने उस तरीके तफ्तीश जी अगर चलेगी। परिवार वालों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनको सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि लड़की की मौत कैसे हुई। मोगा से न्यूज के लिए सुखजिंदर कुमार की रिपोर्ट।